है आपका। हमारे साथ अमरेंद्र शरण साहब जुड़ रहे हैं, आप पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं, आपसे भी हम इस बारे में बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ आरके कपूर साहब जुड़ेंगे, आप वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपसे भी हम इस बड़े मुद्दे पर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इतने वर्ष लग गए, अब आगे और क्या होगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 हमले के दोषी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इसने देश की संप्रभुता पर हमला किया था, लिहाजा इसे सबसे बड़ी सजा यानी सजाए मौत मिलनी चाहिए। कसाब को होगी फांसी, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मोहर, कसाब की अपील खारिज। देश के सबसे बड़े दुश्मन अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। मुंबई आतंकी हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर मोहर लगा दी है। कसाब ने इस मामले में विशेष अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। कसाब की अपील को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मुंबई हमला देश की संप्रभुता पर हुआ हमला था। और ऐसे हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कोर्ट ने कसाब की कम उम्र की दलील भी ठुकरा दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कसाब के खिलाफ पुख्ता सबूत है और कसाब को उसके गुनाह की सबसे बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जहां पे जो अपील प्रस्तुत किया गया था मोहम्मद कसाब से, उस अपील को निरस्त किया है। ऐसे ऑफेंसेस जो हैं प्रिंसिपली ऑफेंसिव वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट है, वो बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कसाब के साथ कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को खारिज करते हुए इसी केस में फहीम अंसारी और सबाउद्दीन पर फैसला भी बरकरार रखा है। स्पेशल कोर्ट ने मुंबई हमले के मामले में इन दोनों को बरी कर दिया था। कसाब को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले महाराष्ट्र सरकार के सरकारी वकील उज्जवल निकम ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है। कसाब की नौटंकी खत्म हो चुकी है। कसाब जिस तरह से हर बार केस में नौटंकी करता था, उसके लिए मैं तो ये कहूंगा कि बदले तुमने रंग बहुत, बदले बहुत नकाब, फांसी तक आखिर ला ही दिया हमने तुझे कसाब। कसाब अपने 9 पाकिस्तानी आतंकवादी साथियों के साथ 26 नवंबर 2008 को कराची से समंदर के रास्ते दक्षिण मुंबई पहुंचा था। इसके बाद इन आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 166 लोग मारे गए थे। इस आतंकी हमले के दौरान सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 9 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए थे, जबकि कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया था। निचली अदालत ने कसाब को मृत्यु दंड सुनाया था और बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी सजा को बरकरार रखा था, जिसके बाद उसने सजा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। राहुल डबास, दिल्ली समाचार प्लस।
और ये मुद्दा चूंकि पूरे देश का मुद्दा है, देश की भावनाओं का मुद्दा है, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका भी, जनता जनार्दन का, हमारे दर्शकों का सीधा पार्टिसिपेशन हमारे इस शो में होना चाहिए। हम अपनी फोन लाइंस खोल रहे हैं अगले 25 मिनट के लिए। आप हमें सीधे फोन करेंगे, हमसे सीधे अपनी बात कहेंगे। हमारा जो फोन नंबर है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहा, हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026-303। इस पर आप मुफ्त में बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी फोन कर सकते हैं। लेकिन आपसे गुजारिश ये है कि जब आप अपनी राय जताएं तो आप पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात कहें, असंसदीय भाषा का, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, संयमित रहें, क्योंकि संयमित होकर भी अपने जो भावनाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जा सकता है। एक बात और, दूसरी बात यह कि जनता जनार्दन के द्वारा जताई गई राय से सहमत या असहमत होना समाचार प्लस की संपादकीय टीम के लिए आवश्यक कतई नहीं है। चलिए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ बने हुए हैं, आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं अमरेंद्र शरण साहब, आप पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं। अमरेंद्र शरण जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा मैं आपका कि आप हमारे चैनल पर आए, बहुत बहुत स्वागत करूंगा कि आप हमारे चैनल पर आए। आज ऐतिहासिक दिन है, इतना बड़ा दिन, इतने बड़े फैसले का दिन, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि फांसी पर लटकाया कब जाएगा? देखिए, कसाब को भी राष्ट्रपति से और राज्यपाल से क्षमा याचना करने का अधिकार है। इसके ठुकराए जाने के बाद ही ये फांसी उनको लटकाई जा सकती है। आज का दिन इस फैसले को स्वागत करने का दिन है, हम सभी को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सोच विचार कर और एक अच्छे वकील को एमिकस क्यूरी अपॉइंट करके कसाब के पक्ष को सुनने के बाद ये फैसला दिया है। ये निर्णय स्वागत के लायक है, आज के दिन हम इसका स्वागत करें जी। हमारे दर्शक भी लगातार अब हमें फोन कर रहे हैं, बिजनौर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जी। संदीप जी अपनी बात कहिए। संदीप भाई सर, नमस्कार सर। नमस्कार संदीप भाई, अपनी बात कहिए। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस पर इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, काहे के लिए कर रहे हैं इस पर इतना खर्च, आम जनता पे खर्च कीजिए ना इससे ज्यादा। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम है? अब अमिताभ जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं और जो सवाल पूछ रहे हैं वो सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछ रहे हैं कि आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, इतना पैसा आप जितना कसाब के ऊपर लुटा रहे हैं उतना अगर देश की जनता के ऊपर खर्च किया जाता या इन्वेस्ट किया जाता तो शायद उसका लाभ मिलता। बिल्कुल, देखिए जैसा अभी अमरेंद्र जी कह रहे थे, मैं उस बात से थोड़ा सा नाइत्तफाकी रखूंगा। आज के दिन इस फैसले का स्वागत, क्योंकि इसके विपरीत कोई फैसला होता तो वो राष्ट्रीय दुर्भाग्य होता, वो राष्ट्रीय दुर्भाग्य होता, छोटी चीज नहीं होती। लेकिन चूंकि अफजल गुरु के मामले में इस देश ने जो देखा है, जो भोगा है, वो साल का है। मुझे याद है अफजल गुरु के मामले की फांसी की सजा बरकरार रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया था तो उसने अफजल गुरु के मामले में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया था कि हाँ। राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध है, यह रेयरेस्ट केस है और फांसी के अलावा इसमें कोई सजा नहीं हो सकती। लेकिन अफजल गुरु आज भी मटन बिरयानी और चिकन कोरमा और मलाई कोफ्ता खा रहे। 5 वर्ष इस देश में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति रही, वो 2.5 दर्जन देशों में सपरिवार यात्रा कराई, पर्यटन के प्रति उनका मोह था, मुगल गार्डन में घूमने का समय था, बुक रिलीज फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो उनमें जाने का समय था। लेकिन इस बात के पास समय नहीं रहा उस समय के राष्ट्रपति के पास कि वो देखे कि जिस व्यक्ति को फांसी पर यह देश देखना चाहता है, और केवल देश की चाहना का सवाल नहीं अतुल,
जिस व्यक्ति को फांसी की सजा दी जाए यह निर्णय देश की सबसे बड़ी अदालत ने किया, वो व्यक्ति 5 साल हो गए आराम से चिकन बिरयानी कोरमा खा रहा है। हाँ, हाँ। और उसकी फाइल नॉर्थ ब्लॉक टू रायसीना हिल, हाँ। नॉर्थ ब्लॉक टू रायसीना हिल घूम रही है। भारत के गृह मंत्री और भारत के राष्ट्रपति के दफ्तर में बहुत दूरी नहीं है, मैंने पांव पांव बरसों नापी है वो दूरी जी, लेकिन वो फाइल घूम रही है। राजनीतिक तुष्टिकरण की जो भावना है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी है, इसकी वजह से शायद जो अपराधी हैं उनके हौसले और बुलंद होते हैं और दुस्साहस एक के बाद एक करते हैं। तो ये सामान्य अपराधी नहीं जी, ये चैन छिनेती लूटपाट चोरी डकैती ठीक बात है, गिरफ्तारी के आरोपी नहीं है ठीक बात, ये देश के विरुद्ध युद्ध करने के लोग हैं साजिश के जी। कानपुर से एक दर्शक हमारे जुड़ रहे हैं अरशद, अरशद भाई अपनी बात कहिए प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो है कसाब को तुरंत फांसी देनी चाहिए, तो अभी तक फांसी इनको क्यों नहीं दी गई थी और इतना खर्चा कर रहा है इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय जताने के लिए। अमरेंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, मनोज एक दर्शक हमारे साथ और हैं इलाहाबाद से, मनोज भाई अपनी बात कहिए। हेलो सर जी अपनी बात कहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो है कांग्रेस बस दो व्यक्तियों के बीच में एडियल है, बस ये सोनिया और राहुल, ये दो लोग फैसले क्यों नहीं करते, मुझे समझ नहीं आता कि अगर ऐसा ही फांसी नहीं दी जाएगी इतने साल रखा जाएगा, सिपाही उनके साथ लगे हुए हैं जी, उनको जो है खाना किस तरह दिया जाता है, किस तरह उसको एसी रूम में रखा जाता है, वैसे तो पाकिस्तानी और हौसले बुलंद हो गए कि भारत भैया चलो हमको मेहमान जैसे रखेगा, चलो जाजो करके चले आओ। ठीक है, संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से, संतोष भाई अपनी बात कही, उत्तराखंड में कहां से बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये अजमल कसाब पे 35 करोड़ तुमने मारा खर्च किया गया ठीक है सर, हाँ जी सर, तुकाराम जिसने इसको पकड़ा था उसको कितना करोड़ खर्चा कर दिया उसके परिवार पे? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम सवाल पूछ रहे हैं, और ये सवाल देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से पूछा जाना चाहिए कि आप आमिर अजमल कसाब जैसे दुर्दांत दुस्साहसी आतंकवादी खूंखार व्यक्ति के ऊपर 35 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। इसी बात बताऊं, अबू हमजा पकड़ा गया जी, हमारी तो अतिथि देवो भव की परंपरा इतनी न्यारी है कि उस पर बलियारी हो जाए मुल्क जी, उनके मेनू में मैंने देखा आधा किलो मलाई भी शामिल थी जी, प्रतिदिन आधा किलो मलाई जी, एक पाव चीनी डालकर जी, वो वर्जिश करेंगे जी, अरे इनको दो सूखी रोटी दे दीजिए और काल कोठरी में डालिए। अमरेंद्र जी के पास चलते हैं, अमरेंद्र शरण जी मुझे बताइए 35 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं, आपके भीतर जो पॉलिटिकल विल है वो नजर नहीं आती, आप तुष्टीकरण वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए आप देश के कानून संविधान हर किसी को पीछे छोड़ देते हैं, देश की जनता की भावना को पीछे छोड़ देते हैं, देश की जनता कितनी गुस्से में है ये इन इन 8-10 फोन कॉल से आपको समझ में आ गया होगा, आखिर होना क्या चाहिए? अवश्य 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 मैं ये आपसे बात करना चाहता हूं और जनता से भी ये बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, और अग्निहोत्री जी के लिए मेरा विशेष सम्मान है, मैं उनको जानता हूं बहुत दिनों से, उनकी भावनाओं से भी मैं अवगत हो रहा हूं, मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये निर्णय इतनी देर में हुआ और इसमें इतना समय लगा और न्यायिक प्रक्रिया पूरी की गई, इसके लिए हमको अपने देश पे गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में एक न्यायिक प्रक्रिया है, और ये न्यायिक प्रक्रिया न सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए है बल्कि दूसरे लोगों को भी हम न्याय देते हैं, हाँ। और हमारी न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है जिस पर हम लोग गर्व कर सकते हैं। अफजल गुरु के मामले में क्या कहेंगे आप? दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो महामहिम राष्ट्र, मैं वही कहना चाह रहा था, महामहिम राष्ट्रपति अपने फैसले लेने के लिए स्वयं नहीं ले सकते, उनको जब एडवाइस मिलेगा कैबिनेट से तभी वो ले सकते हैं, तो अगर सरकार ने इस पर उनको राय नहीं दी तो महामहिम राष्ट्रपति की आलोचना करना हमको नहीं लगता है कि सही है, और ये कहना कि वो बाहर गई और उनको वक्त था दूसरे कामों को करने के लिए, ये उनकी गरिमा के उपयुक्त नहीं है जी। अमरेंद्र जी, अमरेंद्र जी एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा, 35 करोड़ रुपए खर्चा कर दिए गए आमिर अजमल कसाब के ऊपर, ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है और छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है कि हमने पूरी दुनिया को दिखाया कि देखिए भारतीय जुडिशियल सिस्टम वो कितना ट्रांसपेरेंट है, कि हम उस व्यक्ति जिसने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया,
वॉर अगेंस्ट द स्टेट कर दिया, हमने उसको भी एक फेयर ट्रायल का मौका दिया, ईमानदार रहे। लेकिन क्या राजनेताओं के ऊपर हमको सवाल नहीं उठाने चाहिए? 35 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हैं अफजल गुरु के कसाब के ऊपर, करोड़ों रुपए कई साल से आप खर्च कर चुके हैं अफजल गुरु के ऊपर। आखिरकार तुकाराम ओंबले जिसने अपनी जान गंवाई, लाठी के दम पर जिसने कसाब का मुकाबला किया, उसके परिवार को आपने कितने पैसे दिए? सरकार से तो यह भी पूछा जाना चाहिए ना। ये